अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्लस टेल की जो है वो सीरीज़ खेले थे और सातवां पार्ट हम ख़त्म कर चुके थे, इसका चैप्टर 7 ख़त्म कर चुके थे। इसमें हमने देखा था कि हमने मॉन्स्टर रैट्स जो थे उनको एक गड्ढे में गिराना था एक कैसल में एंटर होने के बाद, और वो हमने कर दिया था। उसके बाद हम रात उसी कैसल में सो गए थे, अभी उठ चुके हैं और 8वें पार्ट के लिए तैयार हैं और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। देखते हैं क्या इस कैसल के अंदर हमें कुछ करना है या फिर जो है वो कुछ और या किसी और जगह जाना है। तो अभी लुकस जो है वो नीचे कुछ बना रहा है, तो सो के उठ चुके हैं, सब फ्रेश हैं। हीगो काफ़ी खुश है यार। अभी लुकस जो बना रहा है उसको बनाने जाते हैं, क्योंकि लुकस जो भी बनाता है वो अच्छा है। जिस तरह पहले इसने पिछले पार्ट में हमें एक एक वेपन दिया था जिससे जो मॉन्स्टर रेड्स थे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते एक झटके में, लेकिन सब नहीं जितने थे। तो अभी वो जो कुछ बना रहा है उसको बनाने देते हैं और तब तक हम इसे ये चीज़ें पकड़ा के अपनी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, क्योंकि अपनी चीज़ें इकट्ठी करना बहुत ज़रूरी है। अभी वेपन्स वगैरह जो है उनको अपग्रेड करना, तो जहां जहां जो जो मिलता वो तो उठाए ना पहले। अच्छा, ये छोटा हैरी पॉटर है लुकस, तो इस हैरी पॉटर को जो करने दो करने दो। अच्छा, इसमें हम अपने जो फायर वाली पावर थी उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, 7 हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो तजाब था उसको भी हमने अपग्रेड कर लिया है। अब ह्यूगो के पीछे जाते हैं, इसने हमें क्या दिखाना वो भी ज़्यादा चेक कर लें, लेकिन उससे पहले चीज़ों को उठाना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं जी, ह्यूगो कहाँ लेके जा रहे हैं। ऊपर छत पे ले आया भाई कैसल की, यहाँ भी कुछ पड़ा हुआ है, जो भी उठा लो भाई। ठीक है, ह्यूगो के पीछे पीछे हम आ चुके हैं बाहर। सदियों से खाली है ये कैसल। तो ये अच्छा जी, मैली भी यहाँ भी मौजूद है। उसने बोल दिया, वो कह रही है कि जी ह्यूगो को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, वो मुश्किल पैदा कर सकता है आगे जाके, और ये कुछ आगे सफर करना चाह रहे हैं, ये कुछ ढूंढने के लिए जाना है। तो अब बात इस तरह से है कि ह्यूगो को यहीं छोड़ना होगा, क्योंकि ये संदेशों से खाली महल, तो वो टेंशन नहीं है उसको। और इसको यहाँ छोड़ने के बाद ये दोनों आगे जाएंगी, अपना सफ़र स्टार्ट करेंगी और फिर देखते हैं वो कहाँ जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, ह्यूगो ने शोर मचाया है, पहले उससे ज़रा बात कर लें। उसने को ड्राइंग देखी है, दिखाएगा भी, देखते हैं जिसके पीछे चल के क्या दिखाता है। Look, it's the same symbols. You
अच्छा, उसने कोई दरख्त पे भी सिंबल देखा है, इस तरह का कोई दरख्त देखा है सिंबल वाला। देख लेते हैं वो भी। ये को काफी बीमार है, उसके गर्दन के पास जो है वो नसें, जैसे किसी को जहर की वजह से जो नसें उसकी नीली पड़ जाती हैं लाल, उस तरह का। तो ये लॉकेट्स ने शुरू में मिलते हैं जो कि इन्होंने उतार दिए हैं, और अमीसिया ने लॉकेट जो है वो दरख्त पर लटका दिया। शेगो ने भी अपना लॉकेट दे दिया। I'm sick. तो बेटा तेरे ह्यूगो के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें मैली से मिलना है। मैली किधर है? लो जी, लुकास जो बना रहा था उसने बना दिया, और वो भी दे दिया, और उसने बता दिया कि किस लिए। ठीक है, आईज ओपन। ठीक है जी, तो अभी जो है ना यहाँ से हमें मैली और अमेसिया दोनों निकलने लगे हैं आगे, और यहीं पर हमारा पार्ट 8 ख़त्म हो चुका है और पार्ट 9 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम 9 पार्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 8 पार्ट में सिर्फ छोटी सी एक स्टोरी थी जो बताई गई थी, और अभी हम 9वें पार्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं आगे आपको कैसा सफ़र जो है वो देखने को मिलेगा, और मुझे भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जंगल दिखा दिया है हमें, और जंगल के अंदर है अमीसिया और मैली। तो क्या है, इसे हम करते हैं स्किप। फॉलो मैली, मैली को फॉलो करना है। जी, एक और कैसल में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गार्ड्स हैं। जहाँ लाइट्स आ रही होगी वहाँ पर गार्ड होंगे, और समझे कि मॉन्स्टर रैट्स भी होंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ा संभल कर आगे जाना होगा। यहाँ पर फांसी दे दी। चलो खोलो खोलो, अच्छा यूनिवर्सिटी को फाइंड करना है। तो अभी जो है ना हम फिलहाल जहां तक मैली लेके जाती है उसके साथ चलते हैं, फिर आगे हम रास्ता होते देख लेंगे। तो मैली दरवाजा खोल ले, दरवाजा मेरे ख्याल से मैली से खोलना मुश्किल है। चलो खोल ले बच्चिया, ले जी दरवाजा खुल चुका है, हम कैसल के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ तक मैली हमारे साथ ही, वो वेट करेगी बाहर। तो यहाँ से हम अब आगे हो जाना। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तो ये जारी बात है छत की तरफ या फिर कहीं ऊपर किसी जगह जा रही हैं, जहाँ पर ये वो छत टाइप आ गई, मैदान टाइप, वहाँ पर हम ऊपर पहुँच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी नज़र आ चुकी है, वो जहाँ पर लाइट चल रही हैं वही यूनिवर्सिटी है। वो उस यूनिवर्सिटी तक हमने जाना है, फाइंड द यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुका है, अब हमें यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। तो यहाँ पर काम की कोई चीज़ें, ठीक है, काफी अंधेरा है। Hey,
ठीक है, ये भी चले गए। यहाँ से हम जाएंगे नीचे, स्पेस क्या करना है यहाँ, देख लें अंदर कुछ पड़ा हुआ कि नहीं। ठीक है, यहाँ से भी उतर सकते हैं, वहाँ से भी उतर सकते थे। तो गार्ड आगे जा चुके हैं, तो हम आराम से ज़रा नीचे उतरते हैं, देखते हैं। ठीक है, जो चीज़ें चाहिए थी पकड़ ली। अब हम जाते हैं जहाँ गार्ड, जिस तरफ गेम है उसी तरफ जाना है, क्योंकि जहाँ पर गार्ड जा रहे हैं वहीं पर सारा सीन चल रहा है। वो खड़ा हुआ एक गार्ड, तो इसका एक काम ही करते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर मैं पत्थर पकड़ूं और इसकी, नहीं हमें नहीं थी तोड़नी चाहिए लाइट। ठीक है, चल जाओ बे, चल चल चल। ठीक है जी, ये अब चले जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिला तो हमें। ठीक है, तो इसका मतलब हमें दूसरी तरफ जाना है। पत्थर हमने उठा लिए हैं यहाँ से, ये लो, ये भाई आ गए हैं वो। अब इन चूहों से बचना है और उस गार्ड से भी बचना है। ठीक है, ये जा रहा है, इसको जाने देते हैं। अब हमें ना सबसे पहले तो चलानी पड़ेगी आग। ताकि हमारे लिए बन जाए रास्ता। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं ताकि यहाँ पर हमें कोई तंग ना करे। अच्छा, अब रह गया मसला एक छोटा सा, ये है इसकी आग को कैसे बुझाएं। ये तो पत्थर से नहीं बुझने वाली। अच्छा जी, हम वैसे गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो, ओ बस करो ये, पागल हो गए तुसी। ये देखे यार, ये चूहे जो देख रहे हैं आप, करना है इस तरह, हमें इनको जरा आगे जाने दे। इस गार्ड की ना, ये ट्राई करते हैं, उम्मीद है इसको पहले वापस जाने देते हैं। चल चल चल, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, खा जो ले जाए इनू। ठीक है, ये तो हो गया फारिक। ठीक है, तो हमें ना यहाँ से एक लकड़ी पकड़ लेते हैं, क्योंकि आगे रोशनी नहीं है, उस तरफ जाना है हमने। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। ओए मारे गए समझो, नहीं बच गए। यहां से हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अभी जो है ना, ये अभी यूनिवर्सिटी तक जाना है, तो अभी बहुत कुछ आने वाला है रास्ते में। तो पहले तो हम यहाँ पर भी गार्ड्स खड़े हैं,
अच्छा चलो डांड जाए कुछ, ये जो चूहे हैं ना आप उनके तरफ चले जाएंगे, हमारा रास्ता क्लियर हो गया, हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है तो अभी जो है ना यहाँ से निकलने वाला काम करते हैं। ओ बड़े नस्ली चूहे, बड़े बहन चूहे, यकीन करो। अच्छा जी यहाँ से ना चीजें हमने कलेक्ट कर ली हैं, दूसरी तरफ जाना है तो हम इस तरफ निकलते हैं और देखते हैं। यहां पर भी कोई है? यहाँ पर क्या हो गया है? रेड साहब, बाबा जी हर तरफ गैरी चूहे चूहे, इस कैसल में भी चूहे हैं, बल्कि पूरे शहर में ही चूहे हैं। सिर्फ रोशनी जहां पर है उस जगह पर वो नहीं आते, लेकिन बाकी जगह पर आते हैं। तो अभी फिलहाल ना यहां से हम जाते हैं दूसरी तरफ, चीज को कलेक्ट कर लें। जरा एक मिनट, पहले अपग्रेड कर लें ताकि चीजें हम पूरी उठा सके। पहले हमें चाहिए फायर, एक दो फायर गए इसमें हमारे पत्थर भी जो है ना खत्म हो जाते हैं, तो इसे बस ज्यादा नहीं, अभी हम चीजें उठा लेते हैं। ठीक है यहां से निकलते हैं आगे। अच्छा जी ये लगी हुई सीढ़ियाँ, यहाँ से हम रेड्स से बाहर निकल के रोशनी के अंदर आ गए। अच्छा जी वेरान पड़ा हुआ पूरा कैसल। यानी जो लोग बचे उनको भी जो है ना वो बुरा सलूक कर रहे हैं उनके साथ। तो फिलहाल जो है ना हमें इस गार्ड को जाने दें, इसके बाद ये दरवाजा सामने यहाँ से जाते हैं तो सिलेक्ट कर लें जरा। ओहो, इधर भी चूहे। ओ यार ये बड़े गंदी नस्ल के चूहे। अच्छा खैर ये एक लाश लटकी हुई ऊपर, सबसे पहले तो इसको फेंक देना। गार्ड आ गए। अच्छा जी इसका भी हो गया काम तमाम। अच्छा जी चूहे हो गए मसरूफ खाने में, और तब तक हम चीजें वगैरह ये पकड़ लें। और अभी किधर जाना है? दो रास्ते हैं, पहले हम इस रास्ते से जाते हैं जहां से गार्ड आया, वहां से नहीं ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कि यहाँ पर कोई चीज हमारे मतलब की तो जो है वो उठा लेते हैं। और ओ भाई लाशें पड़ी हर जगह लाशें। अच्छा जहाँ से चीजें उठाने के बाद ना हम बाहर एक और दरवाजा उसे खोलते हैं, यहाँ भी लाशें पड़ी हुई हैं, तो ये लाशें नीचे फेंकनी पड़ेंगी जो गिर सकती हुई। अच्छा अभी इस तरह है कि यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, तो और जैसे जाते हैं तो कौन सी लाश गिर सकती है, ये ट्राई करते हैं। नहीं
ये सारी पुरानी लाशें, फिर ट्राई करते हैं। ये है यहाँ, दरवाजे बंद है, कोई मसला नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। चीजें सिलेक्ट, ये तो हम पिक करें ना पहले, यहाँ से वापस। अच्छा अब ना यही एक रास्ता बना हुआ है, जो लाश फेंकी थी वो इसके अंदर गिरी है, तो यहां से हम निकले दूसरी तरफ। ठीक है, चूहे हर जगह, हर जगह चूहे। अच्छा जी, अभी क्या करना है, दो, एक गार्ड वो खड़ा हुआ ऊपर। सबसे पहले हम लगा लें पहले आग, और इसके बाद ना चलो इसका काम हुआ खत्म। ठीक है, हम यहाँ से स्पेस से बाहर जाते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर आग लगा दी है, तो यहाँ भी चूहे हैं। अच्छा जी, पहले तो यहाँ से ऊपर जाके हम चीज़ें जो है ना वो पिक कर लें जो हमें चाहिए। अच्छा अभी ये दूसरा सुराख है, यहीं से जाना है क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता यहाँ पर, तो चीज़ें पकड़नी है तो भाई अपग्रेड कर लें इसे, इसे भी कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं अपग्रेड। उसके बाद जो है ना हम चीज़ों को यहाँ से कलेक्ट करके, अभी कुछ और भी एक आधी लाश और होगी क्योंकि एक होल बचा है, तो ये ताज़ी लाश इसे गिराएंगे नीचे। चूहे हो गए मसरूफ, बस खोपड़ियाँ नीचे चेक करें, खोपड़ियाँ ढांचे। यहां से हम हो गए बाहर, अच्छा जी। अब यहां पर जो है ना आग जलानी है वो तो ठीक है, और वो गार्ड खड़ा हुआ। अब करना इस तरह है कि पहले गार्ड को मार लें क्योंकि ना ये गार्ड जो है ना बाद में मसला करेगा, तो गार्ड को पहले उड़ाते हैं। ठीक है, इसका काम हुआ तमाम। ठीक है, अब जो है ना हम उसके बाद यहाँ पर लगा लेते हैं आग ताकि हम आगे का सफ़र कर सकें स्टार्ट। तो ये हमने लगा दी आग। ठीक है, अच्छा यहाँ मटके पड़े हुए देखते हैं, नहीं उठा सकते, खैर यहाँ से निकलते हैं हम आगे। ठीक है, ये वो गार्ड था जो वहाँ पर बकवास कर रहा था, तो अभी ठीक है यहां से निकलते हैं। ठीक है, इसी तरफ जाना है। यहां से ही इसी तरह बस आगे चलता जाए। यहां पे हमें यूनिवर्सिटी ढूंढनी, यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है तब जाके हमें सुकून मिलेगा। एक गेट इस तरफ है और मुझे लगता है कि इसी गेट की तरफ जाना है फिर भी एक दफा। ये सामान, हाँ सामने तो लकड़ी वगैरह से गेट सेट सारे बंद किए हुए हैं, तो ठीक है हम जाते हैं यार। जो भी हमने देखा था ये वाला गेट, इस गेट की तरफ जाते हैं। हाँ यस, वो यूनिवर्सिटी नजर आ गई जहाँ पर लाइट्स चल रही हैं, वहाँ हमने जाना है। अब कैसे जाना है, ये गेट है देखते हैं गेट। अब मुझे लगता है गेट बंद है, लॉक लगा हुआ है। हाँ लॉक लगा हुआ है, तो ये गेट हम नहीं खोल सकते। अच्छा जी, हम दूसरी तरफ से जाएंगे, कोई मसला नहीं, मैली यहाँ होती तो वो खोल देती लॉक, लेकिन खैर। अच्छा जी, अच्छा ये एक लाइट लगी हुई है, तो ए और डी से हम इसको कर सकते हैं, तो हमें वहाँ रास्ता बनाना है कि जहाँ से हम बाहर गेट की तरफ जा सके। तो इस लाइट को हम यहाँ पर रखेंगे जहाँ से हम
इजीली जा सकते हैं, और यहां से हम गए बाहर, बॉक्स ओपन करके जो चीजें उठाएं फटाफट जो भी हो। अच्छा ये हम मशीन आ गई, यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगा वेपन, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज अपग्रेड हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पाउच भी हो रहा है और पॉकेट नहीं हो रही, तो पाउच कोड़ा कर देते हैं। चलो जी, ये वाला वेपन भी हो गया अपग्रेड। अब ना बाकी चीजें, ओ यहाँ पर गार्ड है, गार्ड है, गार्ड। गार्ड आ रहा, गार्ड ऊपर। कर देते हैं, चलो इसकी जुबान तो कर दी हमने चुप। अच्छा जी, ये रैट्स के साथ चूहों चूहों से बातें कर रहा है। अच्छा जी, इसको हमने मार दिया यहाँ से। अब कमरे में और कोई नहीं, ये लाइट पड़ी तो इसका मतलब इस लाइट को जो है ना, इस तरफ चूहे हैं, तो हम यहाँ से इस लाइट को इस तरफ ले आते हैं ताकि चूहे यहाँ से हो जाएं एक साइड पर बस, और हम यहाँ से जा सके आराम से। क्यों हो गया, आगे फिर से लाइट है? ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से हम लाइट को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लेके आते हैं यहाँ पर ताकि हमारा रास्ता हो जाए क्लियर। ठीक हो गया, यहाँ से अब जो है ना विंडो की तरफ जाएंगे जो इसने नजर देखी थी। ठीक है, लो जी, लेकिन इस विंडो से वो नहीं गई क्योंकि बाहर कोई गार्ड्स खड़े हुए हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन, एक पादरी और एक फादर भी खड़ा हुआ है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really.